नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है और पूछते हैं कि सर हमें बैंक सॉल्वेंसी बनानी है, तो बैंक सॉल्वेंसी के बारे में हमें जानकारी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बैंक सॉल्वेंसी बनवानी है तो मैं इसके बारे में आज आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा, कितना इसमें खर्चा होता है, कहाँ क्या जाना होता है, क्या करना होता है, कितने पैसे जमा करने पड़ते हैं, बैंक वालों के लिए क्या रूल हैं, आपके लिए क्या रूल है, एक बेसिक जानकारी मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, बैंक सॉल्वेंसी के नाम से आप खुद समझ सकते हैं कि बैंक से सॉल्वेंसी, एक तरीके से इसको गारंटी मानते हैं, बैंक की गारंटी, या इसको बीजी भी बोल सकते हैं, बैंक गारंटी, बीजी इसको बोल सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, जब भी अगर आपको कहीं पर भी बैंक सॉल्वेंसी बनवानी होती है तो आपका जो बैंक है वो बना के देते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर एक प्रॉब्लम और आती है। आजकल क्या है, जो भी बैंकों की शाखा होती है, जैसे आपका अकाउंट आपके गांव देहात में होगा या कहीं छोटी शाखा होती है, उसके अंदर इन चीज़ों को नहीं जानते हैं बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये हेड ऑफिसों में ज़्यादा काम होती हैं। जैसे कि आपका जिले के अंदर या तहसील के अंदर जो हेड ऑफिस होती है बैंकों की, उसके अंदर इन जो भी आपको बैंक सॉल्वेंसी बनाते हैं तो वो वहाँ से जानकारी आपको प्रॉपर देते हैं। जो छोटी शाखा होती है उसमें ये जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि इस चीज़ की जो भी डिटेल्स होती है वो हेड ऑफिस में होती हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आपको अगर बैंक सॉल्वेंसी बनवानी है तो आप अपने बैंक मैनेजर से जाके कॉन्टेक्ट करें, उनसे बात करें कि सर मुझे बैंक सॉल्वेंसी बनवानी है। तो वो उनके पास अगर जानकारी नहीं होगी तो बैंक मैनेजर वहाँ से अपने अधिकारियों से हेड ऑफिस में फ़ोन करके या जानकारी ले करके आपको इसकी जानकारी दे देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर आपको जो भी बैंक सॉल्वेंसी बनाता है तो इसके अंदर ये है कि आपका जो भी, मान के चलिए आपको 10 लाख की बैंक सॉल्वेंसी बनवानी है या 20 लाख की बनवानी है, तो जितने की आपको बैंक सॉल्वेंसी बनवानी है उतना पेमेंट आपको जमा कराना होता है बैंक में। आपको इसके लिए जितने की बैंक गारंटी चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए, चाहे वो आपको 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, तो आपको उतना पैसा उसमें जमा कराना पड़ेगा। अब सपोज करिए आपको 10 लाख की बैंक सॉल्वेंसी की जरूरत है तो आपको 10 लाख रुपए की पहले वहां पे एफडी करानी होगी। लेकिन इसका एक फायदा ये भी है, बैंक गारंटी के अंदर आपको जो आप 10 लाख रुपए जमा करा रहे हैं उसका बैंक एफडी करा के, आपको एफडी करानी होगी, एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको वापस आपका मिल जाएगा। जो आपकी बैंक की इंटरेस्ट रेट होती है, जैसे कि चाहे 6% हो, 5% हो या 7% हो, जो भी बैंक की रेट है वो आपको डिसाइड करते हैं, और जितने दिन के लिए आप कराएंगे उसकी आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और आपको उस तरीके से वो बैंक गारंटी या बैंक सॉल्वेंसी बीजी बना के आपको दे देते हैं। इस तरीके से आप बैंक सॉल्वेंसी या बीजी बना करके अपना जो भी काम है, चाहे ठेकेदारी में लगा सकते हैं या कहीं भी XYZ लगा सकते हैं, ये आपके लिए वहां से बन जाएगी। दोस्तों, और ठेकेदारी की जानकारी के लिए आप अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।